एयरक्राफ्ट सिस्टम की ट्रेनिंग ले रहे हैं यूक्रेनी सोल्जर्स. यूक्रेनी मिलिट्री को सौंपे जाएंगे L-70 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम. लिथुआनिया रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है. अगली अहम खबर है, डोनेस पर कब्जे के लिए भीषण युद्ध जारी है. डोनेस के पोहेल्डर में रूसी टैंक को बड़ा नुकसान पहुंचा है. यूक्रेनी लैंडमाइंस के जाल में फंसकर 3 रूसी टैंक नष्ट हो गए. और 8वीं बड़ी खबर, यूक्रेनी रॉकेट लॉन्चर के एक्शन का वीडियो सामने आया. BM-21 ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का अटैक रूसी ठिकानों पर, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले. सेल्फ प्रोपेल्ड 122mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है BM-21. और अगली बड़ी खबर, ईरान में पहला अंडरग्राउंड एयरबेस ऑपरेशनल हो गया है. अंडरग्राउंड एयरबेस का नाम ईगल 44 रखा गया. बेस पर फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट, बॉम्बर्स और UAV तैनात. अंडरग्राउंड एयरबेस को अलग अलग जोन में बांटा गया, कॉम्बैट ड्यूटी जोन, कमांड पोस्ट, हैंगर्स और रिपेयर सेंटर. वेहल्दा में रूसी टैंक्स पर यूक्रेनी अटैक को लेकर अगली वॉर ब्रेकिंग, जहां रूसी T-90 टैंक फॉर्मेशन को टारगेट किया गया. यूक्रेनी हमले में रूस के 2 T-90 टैंक तबाह हुए हैं. रूस के घातक टैंक्स में से एक है T-90 टैंक. देख रहे हैं वर्ल्ड कवरेज का नंबर 1 बुलेटिन TV9 भारतवर्ष पर. और सवाल ये है जो कि बहुत अहम है, क्या 2023 विनाश की तारीख लेकर आएगा? क्योंकि कुछ देर पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर के कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं और साथ ही चीन को भी दी है चेतावनी. चर्चा इन्हीं मुद्दों पर करेंगे. मैं हूँ आपके साथ अंजलि, मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी हैं, समीर अब्बास हैं, सुरभि हैं और साथ ही विपिन चौबे भी हैं. और हर बार की तरह मेहमानों का पैनल भी है जो हमें बताएगा कि क्या बनने वाली है युद्ध की रणनीति. अब से कुछ देर पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत कुछ महत्वपूर्ण कहा है. अमेरिकी कांग्रेस में अपनी स्पीच में पुतिन को सख्त मैसेज जो बाइडेन की ओर से दिया गया, जिनपिंग को भी नहीं बख्शा गया. रूस यूक्रेन वॉर और खास तौर से पुतिन के लिए कही गई बाइडेन की हर बड़ी बात और इसके पीछे के संदेश हम आपको बताने की आज कोशिश करेंगे. जबकि चीन और जिनपिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा उस पर हम अपने एक्सपर्ट के साथ करेंगे चर्चा. और फिलहाल हम आपको बताते चले कि आज इन्हीं मुद्दों पर रहेगी बातचीत और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बाइडेन पुतिन के हमले को विश्व की परीक्षा बताकर क्या हासिल करना चाहते हैं. जी हां, इसी बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आखिर 24 फरवरी की नजदीक आती तारीख विश्व को क्यों सता रही है. वॉर जोन में इस तारीख पर, 24 फरवरी की इस तारीख पर क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या तबाही होने वाली है. इस बीच बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर रूस के दुश्मन देश लातविया से सामने आई है. लातविया में मौजूद अमेरिकी ड्रोन फैक्ट्री में लगी आग का रहस्य क्या है, आइए सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं. तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं शुरुआत, जहां लातविया में ड्रोन फैक्ट्री में लगी भीषण आग की तस्वीरें होंगी आपके सामने. अब फैक्ट्री से यूक्रेन ड्रोन्स भेजे जाते हैं, नेटो देशों को भी यहां से ड्रोन सप्लाई किए जाते हैं. आग से ड्रोन फैक्ट्री को जिस तरीके से भारी नुकसान की खबर आई है, उसके बाद पूरे मामले की जांच भी होगी, क्योंकि जरूरी है ये समझना कि क्या ये किसी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है. महत्वपूर्ण है लातविया जो एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, लॉन्ग रेंज अननेम एयरक्राफ्ट इंटेलिजेंस सर्विलांस बनाती है. अब इस प्रोडक्शन हाउस को अगर समीर टारगेट किया जाता है तो ये सवालों में जरूर है. बिल्कुल, और लातविया में जो कुछ हुआ है वो अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर है. तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक ड्रोन फैक्ट्री को यहां पर
बर्बाद कर दिया गया है ताजा हमले में। तो लातविया में ये जो डेवलपमेंट हुआ है इस पर सभी की नजरें हैं, आखिर इसके पीछे कौन है, क्योंकि यहां से जिस तरह से ड्रोन की सप्लाई की जा रही थी, जिस तरह से मदद की जा रही थी, उसको लेकर पहले भी सवाल खड़े हुए हैं और अब लातविया में एक ड्रोन फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। इस अटैक के, इस हमले के मायने क्या है, मतलब क्या है? लातविया की ड्रोन फैक्ट्री में आग के बाद पश्चिम में सरगर्मी है, वेस्टर्न कंट्रीज में सरगर्मी है। ये देखिए, इसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लातविया की ड्रोन फैक्ट्री में ये भीषण अटैक हुआ है और पूरी फैक्ट्री को एक तरह से कर दिया गया है बर्बाद। इसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज में जबरदस्त सरगर्मियां नजर आई हैं। लातविया की ये ड्रोन फैक्ट्री अमेरिकी नियंत्रण में है, पूरी तरह से अमेरिकी कंट्रोल में है। लातवियाई ड्रोन फैक्ट्री में आग, हादसा है या फिर कोई बड़ा हमला अंजाम दिया गया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। रूस के कट्टर विरोधियों में शामिल रहा है लातविया और ये बड़ा सवाल, युद्ध की शुरुआत से ही खुलकर यूक्रेन के साथ है लातविया और वहां ये सब कुछ हुआ है। 2 हफ्ते पहले रूस ने लातविया को बाकायदा सख्त चेतावनी दी थी, ओलंपिक से रूस को बाहर करने पर भी सबसे मुखर नजर आया था लातविया और अब लातविया में एक ड्रोन फैक्ट्री हो गई है बर्बाद। सवाल रूस पर भी उठ रहे हैं, शक रूस पर भी जाता हुआ नजर आ रहा है। तो लातविया में जो कुछ हुआ वो कितना गंभीर है, ये आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ईरान से रूस को ड्रोन की सप्लाई की जा रही है और लातविया से यूक्रेन को ड्रोन की सप्लाई की जा रही है। टारगेट पर क्या ये पूरी की पूरी ड्रोन सप्लाई चेन है? ईरानी ड्रोन फैक्ट्री पर हमला होता है, ईरान के इस्फहान में निशाना बनाया जाता है ड्रोन फैक्ट्री को और अब लातविया में ड्रोन फैक्ट्री जलकर राख हो गई है और आशंका यही जताई जा रही है कि ये कोई बड़ा हमला था जिसमें इस फैक्ट्री को टारगेट किया गया। 3 बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या लातविया की ड्रोन फैक्ट्री पर हमला हुआ है, ये तो सबसे बड़ा सवाल है ही, क्या लातविया में ईरान का बदला लिया गया, ये बहुत अहम सवाल है जिसके बारे में आज पड़ताल जरूरी है। क्या दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? ये वो तमाम अहम बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे खास साथ खास मेहमान मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर अंशु जोशी मौजूद हैं हमारे साथ, विदेश मामलों की जानकार, और सुमित कुमार झा भी हमारे साथ जुड़े हैं, फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं। लेकिन चतुर्वेदी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ईरान में इस्फहान में ड्रोन फैक्ट्री को निशाना बनाया जाता है, नाम लिया जाता है अमेरिका का, हाथ बताया जाता है इसराइल का, क्योंकि ईरान ड्रोन की सप्लाई कर रहा है रूस को, और अब लातविया जहां पर अमेरिकी ड्रोन से एक तरह से तैयार हो रहे थे जो मदद के लिए पहुंच रहे हैं यूक्रेन में, इन दोनों घटनाओं को कैसे जोड़कर ना देखा जाए? समीर, सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन जो अभी लग रहा है वो हो सकता है कि इसमें कोई साजिश हो, सेवटाज हो, और इट कैन बी ए कोइंसिडेंस ऑल्सो कि अगर कुछ एक हादसा हुआ है, क्योंकि ऐसी फैक्ट्रीज में काफी चांसेस होते हैं थोड़ी सी भी लापरवाही हुई और आपने सावधानी नहीं बरती तो आग लग सकती है। बड़ा हाईटेक इक्विपमेंट होता है, हाईटेक मशीनरी होती है, प्लांट्स होते हैं, फ्यूल होता है, सब कुछ ऐसी जगहों पर होता है जिससे कि आग लगने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। लेकिन जो जैसा आपने कहा, ये साजिश भी हो सकती है, ईरान में जो हुआ उसका एक रिएक्शन हो सकता है और सेबोटाज भी हो सकता है, ये सब संभावनाएं हैं, लेकिन इस पे इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। सर, क्योंकि लातविया का नाम लेते हैं, अगेन अ फॉरेन सोवियत नेशन, और जैसा कि अंशु जी में शुरुआत में ही बात करी थी, 2004 में ही ये नेटो के भी सदस्य बनने में कामयाब रहे, उसके बाद एक ऐसी ड्रोन फैक्ट्री को युद्ध के इस हालात के बीच में क्या आपको लगता है टारगेट किया जा सकता है, स्पेसिफिकली जो नेटो अलायंस के तहत ये ड्रोन्स बनाती हो, यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही हो?
बिल्कुल सुरभि, और जब हम लैटविया जैसे देश की ओर देखते हैं तो पुराने यूएसएसआर के साथ जुड़ा हुआ या उसका एक हिस्सा देश रहा है और फिर नाटो की ओर चला गया, पश्चिमी खेमे की ओर चला गया, तो रशिया की लैटविया के प्रति जो दुश्मनी की एक भावना है उसका एक कारण हमारे सामने, हम सभी जानते हैं। और इस रशिया यूक्रेन वॉर में खुल के यूक्रेन का साथ लैटविया प्रारंभ से ही देता चला रहा है। और फिर इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि भौगोलिक रूप से जब हम पहले इतिहास की ओर देखते हैं तो इसका जो मूल है वो तो रशियन है। Exactly. तो हो सकता है कि इस फैक्ट्री में किसी प्रकार का हमला किया गया हो, लेकिन जब तक इस हमले की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक जैसा कि चतुर्वेदी सर कह रहे हैं कि हम हादसे की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और एक बड़ी खबर देखिए, यूएस कांग्रेस के मन से पुतिन को बाइडेन की दो टूक, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम खड़े हैं। पुतिन की आक्रामकता का बाइडेन ने जवाब देने की बात कही, पुतिन के हमले को कहा अमेरिका और ये विश्व की परीक्षा है। सुनवाते हैं आपको आखिर आज यूएस कांग्रेस में संबोधन के दौरान जो बाइडेन ने क्या कुछ कहा है। Yes, we would, and we did. We did. And together, we did what America always does at our best. We led. We united NATO. We built a global coalition. We stood against Putin's aggression. We stood with the Ukrainian people. Tonight, we're once again joined by Ukraine's ambassador to the United States. She represents not her, just her nation, but the courage of her people. Ambassador, is our ambassador is here. United, we're in uniting our support of your country. Will you stand so we can all take a look at you? Thank you. और आइए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से पुतिन को दिए गए मैसेज का पूरा सार हम आपको सबसे पहले बताते हैं, फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे और अपने एक्सपर्ट से भी इस बारे में बात करेंगे। बिग बॉल पर पॉइंट वाइज आपको आज हम बताने वाले हैं कि जो बाइडेन ने क्या कहा है अपने संबोधन के दौरान। सबसे पहले जंग के 5 लक्ष्यों पर बातचीत हुई है, मैसेज दिया गया जिसमें संप्रभुता, लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता, शांति, आजादी और सम्मान की बात हुई। इन 3 से जंग हो सकता है, अत्याचार, क्रूर जंग और आतंक। जो बाइडेन ने क्लियरली एक बार फिर से दुनिया के सामने ये बात दोहराई है कि यूक्रेन के साथ ही अमेरिका खड़ा है, लगातार मदद करता रहेगा। और साथ ही सुमित जी, एक बार फिर से जो बाइडेन ने नाटो को भी ये कहा कि नाटो को एकजुट होकर के यूक्रेन की मदद करने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले किस तरीके से यूक्रेन के मदद के नाम पर नाटो के बीच भी, नाटो के देशों के बीच भी मतभेद, मनभेद नजर आ रहा था। आज जो बाइडेन के संबोधन में सबसे बड़ी बात आपको क्या लगी? यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है और जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन यूएस कांग्रेस को एड्रेस करते हुए ये कह रहे हैं कि हम सबको एकत्रित होना है, तो ये याद रखिए बाइडेन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और ये कवायद कर रहे हैं कि कुल मिलाकर एक परिस्थिति बने जिसमें अमेरिका की वही स्थिति रहे जो पोस्ट कोल्ड वार के बाद स्थिति बनी थी, क्योंकि इसमें डेंट आ चुका है। डेंट आ चुका है चीन के तरफ से, रशिया जिस तरीके से आक्रामक हो रहा है, और इन परिस्थिति में नाटो में अपने घर में गतिरोध है। अमेरिका अभी जो आंतरिक रूप से उसको जो आर्थिक स्थिति है उसमें तंगी, अभी एड्रेस में उन्होंने कहा भी, इस बात का उल्लेख भी किया। इन सारी परिस्थितियों में एक मूल बात है जो कि यह है कि अमेरिका अभी भी इस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया है कि हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है। कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन है जो ट्रांजिशन बड़ा ट्रांसपेरेंट है फ्रॉम यूनिपोलर वर्ल्ड टू मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब इस बात को वो पहचान नहीं पा रहा है, यही कारण है इस युद्ध में अंत नहीं दिख रहा है। अगर ये स्थिति नहीं होती तो इस युद्ध का अंत कब का हो चुका रहता। दूसरी बात यह है कि चीन या रशिया जैसा मुल्क ऐसा है जो चीन आज के तारीख में इमर्जिंग पावर है, वो यूएस को चीन को लेकर बाइडेन ने क्या कहा है इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, यूक्रेन को मदद पर पश्चिम में मतभेदों के बीच जो बाइडेन ने जो कहा है वो अहम है। यूक्रेन की मदद में किसी तरह की कोई कमी आने वाले वक्त में भी नहीं होगी, ये उन्होंने कहा। ज़ेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति ने दरअसल इन बयानों के जरिए बड़ा भरोसा दिलाया है। बिल्कुल, और आइए देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के लिए और क्या कुछ कहा है जो ज़ेलेंस्की को राहत देने वाला है। यूक्रेन के साथ हमेशा के लिए वो रहेंगे ऐसा कहते हुए नजर आए ज़ेलेंस्की को राहत। हमने एक साल पहले आगाह किया कि हम पुतिन की आक्रामकता के खिलाफ हैं, हम यूक्रेन के लोगों के साथ हैं, यूक्रेन के लोगों का साहस बेमिसाल है, अमेरिकी यूक्रेन के लिए एकजुट हैं,
कहीं कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, जब तक जरूरत होगी हम मदद करते रहेंगे। कर्नल शुक्ला किस तरह से देखते हैं इस बयान को और क्या यह आश्वासन है, क्योंकि एक साल इस युद्ध को पूरा होने जा रहा है, पूरी दुनिया से ज़ेलेंस्की अपील कर रहा है और खासकर अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ही वो देश है जिसके भरोसे पर यह युद्ध शुरू हुआ था और चल भी रहा है, तो सिर्फ अमेरिका के भरोसे। बिल्कुल, एक साल पूरा हो गया इस युद्ध को और कोई अंत आता नजर नहीं आ रहा है। मेन चीज देखने वाली है कि ग्राउंड पे रियलिटी ये है कि कोई भी फोर्सेस आगे नहीं बढ़ रही है। वही एरिया में पिछले 6 महीने से 3 महीने से युद्ध चल रहा है, उसी एरिया में कभी एक गांव इधर चला जाता है, कभी एक गांव उस पक्ष में चला जाता है। तो इस चीज को बरकरार रखने के लिए सिर्फ अमेरिका ने एक पॉलिसी चली हुई है जिसमें वो मदद करता जा रहा है, ना इस युद्ध को रुकने दे रहा है, ना किसी परिणाम की तरफ ले जाना चाहता है। लेकिन क्या होगा, अंजाम क्या होगा इस युद्ध का, ये कहना तो अभी बड़ा मुश्किल है, बिकॉज अल्टीमेटली लॉस ऑफ लाइफ जिसे बोलते हैं वो दोनों तरफ से हो रही है। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। अंशु जी, क्या इससे पहले जो हमने अपने दर्शकों को खबर दिखाई वो लातविया में ड्रोन फैक्ट्री में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, हर कोई ये कह रहा था कि अब ईरान में जो कुछ हुआ है, इस्फहान में जो कुछ हुआ है, उसका ईरान बदला लेगा, क्या ईरान का बदला रूस ने लिया है, इसके पुख्ता आसार नजर आते हैं क्या? समीर, ये कहना हाल फिलहाल बहुत कठिन है। यहाँ खड़े होकर हम इस तरह की बातें बड़ी आसानी से या इस तरह की चर्चा हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब हम कूटनीतिक पटल पर जाते हैं और वहाँ जो देशों के आज की तारीख में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के बड़े जटिल रिश्ते आपस में बने हुए हैं उसकी ओर जब हम देखते हैं और जब हम कॉमन गुटों को देखते हैं, तो ये तमाम चीजों को देखते हुए कहना बड़ा कठिन हो जाता है कि इसका बदला वो ले रहा है उसके साथ वो। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है ड्रोन फैक्ट्री के बदले ड्रोन फैक्ट्री, बिल्कुल ये हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, जब तक इस हमले की पुष्टि नहीं हो जाती कि ये एक हमला है या एक हादसा है, तब तक हम इस डायरेक्शन में जाकर बात नहीं कर सकते। ठीक है, और पुष्टि होगी इसकी संभावना कमी नजर आती है, क्योंकि ईरान पर इतना बड़ा हमला हुआ, इजराइल पर तमाम आरोप लगे लेकिन इजराइल ने तो स्वीकारा नहीं। बहरहाल, पुतिन के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, ये जंग अकेले अमेरिका की नहीं, हम मिलकर लड़ेंगे, ये जो बाइडेन की स्पीच में कहा गया, अमेरिकी कांग्रेस में जो संबोधन हुआ जो बाइडेन का, उसमें इसका जिक्र था। और अब आइए देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया को मैसेज देने के लिए क्या कहा है और कैसे ये बताने की कोशिश की कि अमन पसंद हर मुल्क को अमेरिका के साथ होना चाहिए। बड़ी बातें क्या रही इस पूरे संबोधन की, सबसे पहले विश्व शांति के लिए जंग, मित्र राष्ट्र एकजुट रहे हम लड़ेंगे, ये अपने संबोधन के दौरान कहा। साथ ही हमने नेटो को एकजुट किया है, जो बाइडेन आगे कहते हैं हम नेतृत्व के लिए हमेशा से तैयार रहे हैं, हमने ग्लोबल गठबंधन भी तैयार किए हैं, साथ ही सम्मान शांति और आजादी की लड़ाई हमने लड़ी है, यूरोप ही नहीं इनके लिए हर कहीं हम लड़ेंगे। बड़े सवाल क्या उठते हैं कि क्या अमेरिका रूस के खिलाफ जंग को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, क्या बाइडेन का ऐलान रूस से सीधे टकराव का इशारा भी है, ये दो बड़े सवाल है जो कि जो बाइडेन के बयानों के बाद सामने आ रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि बाइडेन ने अपनी स्पीच में लगातार ये दिखाने की कोशिश की है कि अमेरिका और उसके सहयोगी वॉर में सच और न्याय के साथ खड़े हैं। बाइडेन के इन कुछ पॉइंट्स पर जरा गौर करिए, बड़ी बातें अब हम आपको बताएंगे जहां अमेरिका का जंगी इरादा न्याय और सच का हवाला देते हुए ये बयान बहुत मायने रखते हैं। अमेरिका की परीक्षा की घड़ी, ये विश्व की परीक्षा का वक्त है, संप्रभुता के साथ खड़े हैं हम, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम, सुरक्षा से समझौता नहीं होगा, शांति शांति हमारे लिए सर्वोपरि है, हम ये सब हासिल करके ही रहेंगे, मिलकर ये सब हासिल जरूर होगा। सरदाना सर, ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है, भले आप आज विश्व शांति की बात करते हुए ये जस्टिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिका का ये सहयोग ही यूक्रेन को एक साल तक युद्ध की इस बैटल ग्राउंड पर खड़ा कर पाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या बाइडेन को यूएस को ये नहीं दिखता कि अब ये युद्ध सिर्फ रशिया यूक्रेन नहीं बल्कि रशिया वर्सेस नेटो होता जा रहा है, यानी विनाश में बड़ी भूमिका और जिस तरीके का सहयोग है वो सब कुछ तो और वर्ल्ड वॉर की ओर लेकर जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए किसी ने पूरे विश्व ने अमेरिका को विश्व का चौकीदार नहीं बनाया है कि उनकी किसी ने उनको कहा नहीं है कि आप विश्व के चौकीदार है और आप कहते विश्व में शांति बना के रखें। इन्होंने ये जंग रशिया के ऊपर मिलिट्राइज करके यूक्रेन के ऊपर थोपी गई है और आज अगर यूक्रेन और बाद में समय देखिएगा आप नेटो का अगर विनाश होगा तो अमेरिका की वजह से है, क्योंकि इनके पास क्षमता नहीं है
यूक्रेन रशिया के अगेंस्ट खड़े होने की। एंड मोरओवर सब यही कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए ये बैटल ग्राउंड एक्सपेरिमेंट बन गया अपने हथियारों को देखते हुए उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो यूक्रेन का बैटल ग्राउंड है। बिल्कुल, क्या है अपने जो जो उनकी फैक्ट्रियां हैं उनका मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो हथियार जो बेच रहे हैं यहाँ पर बैटल ग्राउंड टेस्टिंग फील्ड हो गया। एग्जैक्टली, और उनके सैनिक नहीं मर रहे, यूक्रेनी लोग मर रहे हैं, उनका विनाश हो रहा है। तो इसके पीछे सिर्फ ज़ेलेंस्की ही नहीं, अमेरिका और नेटो भी उनके विनाश के लिए बराबर के जिम्मेदार है ये कहना है। और लुहांस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी फौज यूक्रेनी ठिकानों में घुसकर कर रही हमला। यूक्रेनी फौज ने रूसी टैंक्स को तबाह किया है। वॉर में दोनों ओर भारी नुकसान की खबर है। ब्रेकिंग न्यूज है, डोनेस्क के मकीवका में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। भारी बमबारी से ट्रेन के ट्रैक पर आग लगी है। ट्रेन की पटरियों पर आग से आवाजाही बाधित होगी। रूसी सेना मूवमेंट के लिए ट्रेन रूट का इस्तेमाल करती थी। चतुर्वेदी सर, क्या इस बार ट्रेन ट्रैक को टारगेट करके हमला इसलिए भी किया गया क्योंकि हमने देखा युद्ध में ट्रेन के जरिए भी भारी संख्या में हथियार भी इस पार से उस पार जा रहे थे, मदद कर रहे थे देशों की? अंजलि, आपने बिल्कुल सही कहा कि लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन, लॉजिस्टिक के लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, रोड्स होती हैं, ब्रिजेज होते हैं, रेलवेज होती हैं, इन सब का बर्बाद किया जाना बहुत स्वाभाविक है किसी भी युद्ध में। और ये अगर आप किसी लॉजिस्टिक्स लाइन को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने अपनी उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और ये अगर हुआ है तो ये बिल्कुल उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को ब्रेक करने के लिए हुआ है। और इसी तरह से ब्रिजेस को वो डिस्ट्रॉय करेंगे, रोड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, कोई ऐसी चैनल्स होंगी जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा वो भी डिस्ट्रॉय की जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन जो बाइडेन का संबोधन अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि अगर रूस का यही रवैया जारी रहा, और वो इसे आक्रामकता का नाम दे रहे हैं, अगर ये आक्रामकता जारी रही तो अमेरिका जो करेगा उसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा रशिया को, ये वो बता रहे हैं। वहीं 24 फरवरी की तारीख को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। डोनबास की जंग को अंजाम तक पहुंचाने की जा रही है तैयारी इसी तारीख के पहले। रूस को हो रहे भारी नुकसान से पुतिन पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। वॉर में रूस के रोजाना 500 सैनिकों के होने का दावा भी किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। जिस दावे की बात समीर कर रहे हैं उसी के तहत रूस अब अपनी रणनीति को बदलने पर मजबूर हो चुका है क्योंकि रोजाना अगर रूस के 500 सैनिकों को मार गिराने का यूक्रेन दावा कर रहा है तो जाहिर सी बात है अब मजबूर हो चुका है रूस अपनी रणनीति बदलने के लिए। देखते हैं रूस पर अब आखिर भारी दबाव है क्यों, आगे क्या कर सकता है, क्या इस दबाव की वजह से अपनी रणनीति को बदल रहे हैं क्योंकि रूस के 500 सैनिक हर रोज मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है रशिया की चिंता बैटल ग्राउंड पर बढ़ेगी। अब बखमूट की जंग रूस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ती जा रही है, खासकर 24 फरवरी को लेकर बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर यही है कि 24 फरवरी को कुछ बहुत बड़ा करने की पुतिन तैयारी कर चुके हैं। युद्ध के एक साल पूरे होने पर विश्व को ताकत पुतिन अब दिखाएंगे। बड़ी बात यह है कि पुतिन ने मार्च अंत तक पूरे डोनबास पर कब्जे का आदेश भी दिया था, इसे प्लीज करेक्ट करिएगा। इसीलिए गंभीर आशंका अब यह है इस महीने रूस का सैन्य एक्शन वॉर को क्या एक नए लेवल तक ले जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है यहां पर चतुर्वेदी सर इस लिहाज से समझना, क्या अमेरिका के सहयोग के बलबूते यूक्रेन ने मजबूर नहीं कर दिया कि कहीं पर भी रशिया न कब्जा साबित कर पाया ना गवर्न करने के लिए राजी हुआ और अब जो मदद मिल रही है अमेरिका से उसके बलबूते यूक्रेन ने रूस को इलाका छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। सुरभि, ये एक व्यू पॉइंट है लेकिन मैं समझता हूं कि जो रूस का टर्मिनल स्टेट जो हासिल करना चाहता था वो उसने हासिल कर ली है। ईस्टर्न यूक्रेन को वो कब्जा करना चाहता था, डोनबास का इलाका, लुहांस्क का इलाका, और हो सकता है थोड़ा ओडिशा और खार्की की तरफ भी वो जाना चाहे। लेकिन इसके बियॉन्ड उसका एम नहीं था। अब वो केवल रिटेलिएट कर रहा है यूक्रेन के हमलों को और अपनी ये जो एरिया कब्जा किया है उस पर अपना आधिपत्य और भी मजबूत कर रहा है। लेकिन लेकिन प्रोफेसर अंशु, क्या युद्ध के इस मुहाने पर यह कहना ठीक होगा कि रूस को जो हासिल करना था वो उसने हासिल कर लिया,
बिल्कुल कर लिया समीर। सबसे बड़ी बात जिस बात पे ये जंग शुरू हुई, हम पहले तो उसकी ओर देखें। हाँ। पुतिन ने बार बार ज़ेलेंस्की को ये कहा कि भैया तुम नाटो का मेंबर मत बनो, हम तुम्हारे अगेंस्ट किसी तरह का कोई अटैक नहीं करेंगे। इसी बात पे ये युद्ध शुरू हुआ था और अब देखिए कि अब नाटो ही मुझे तो धीरे धीरे पीछे खिसकता हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन को अपना सदस्य बनाने देने के लिए। तो जो पुतिन को हासिल करना था, पूरे विश्व को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था, उन्होंने कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि मैं पूरे नाटो संगठन के खिलाफ एक साल तक युद्ध पाने में अकेला देश होकर मैं सक्षम साबित हुआ। उन्होंने एक ऑयल एंड गैस का ऊर्जा का संकट पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में उत्पन्न कर दिया और कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों को घुटने पर उन्होंने ला करके खड़ा कर दिया। वो बात तो ठीक है सुजी, लेकिन क्या अब जो बाइडेन कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं पुतिन के खिलाफ, थिएटर्स खुलवा, आज के संबोधन से क्या ये इशारा दिया गया है, इस पर बात करेंगे। एक और बड़ी खबर है, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की पश्चिम को चेतावनी, यूक्रेन को मिल रहे पश्चिमी हथियारों से टेंशन बढ़ेगी। यूक्रेन को पश्चिम से मिल रहे हथियारों को लेकर यह चेतावनी जारी की गई है। जंग लंबी खींचना चाहते हैं अमेरिका और सहयोगी देश, हमारे इलाके में कब्जे के लिए नाटो की ये साजिश है। सुमित जी, ये बात तो पहले दिन से जाहिर थी कि किस तरीके से पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ मिलकर के रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं शोइगु ने क्या कहा। Поставкам тяжелого наступательного вооружения и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации. Всего противник произвел свыше 550. Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемые Киеву вооружения и технику. तो सुमित जी, मैं यही सवाल आपसे पूछ रही थी कि ये तो पहले दिन से जाहिर था कि यूक्रेन का साथ पश्चिमी देश, नाटो देश और अमेरिका मिलकर के कर रहा है, रूस के खिलाफ कर रहा है, पुतिन के खिलाफ कर रहा है, लेकिन अभी जो सिनारियो है उसमें क्या बदलाव आप देख रहे हैं? क्या जो बाइडेन के संबोधन के बाद एक नई स्ट्रेटेजी रूस के खिलाफ इन सारे देशों के साथ मिलकर के अपनाई जाएगी? निश्चित रूप से, ये जब अमेरिकन राष्ट्रपति अपने यूएस कांग्रेस में इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि हमें नाटो मेंबर्स को एकत्रित होना है और हर तरीके से यूक्रेन के साथ खड़ा होना है रूस के विरुद्ध, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और याद रखिए, फरवरी, पिछले फरवरी से लेकर अब तक एक साल होने वाला है 24 फरवरी को, अमेरिका हर तरीके से यूक्रेन का साथ रहा। एक बात और जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर, हम ये कहते आ रहे हैं कि नाटो का मेंबर अभी तक नहीं बनाया गया, इसके पीछे एक टेक्निकल भी पहलू है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए, और वो ये है कि अगर मान लीजिए, थोड़ा सा कल्पना करिए कि युद्ध शुरू होने के बाद बीच में यूक्रेन को नाटो का मेंबर बना दिया गया होता, इसका परिणाम यह होता कि जो यूक्रेन पर अटैक था वो पूरे नाटो पर अटैक हो जाता। Exactly. गाहे बगाहे प्रत्यक्ष रूप से नाटो मेंबर्स को रसिया के विरुद्ध आना पड़ता। तो हमें कुल मिलाकर तीसरे विद्युत की स्थिति में अभी तक होते न होते बल्कि शुरू हो चुका होता। ये बड़ा सबसे टैक्टिकल डिसीजन है नाटो मेंबर्स का और यूएसओ का, यूएस का, कि अब तक नाटो मेंबर में उसको जोड़ा नहीं गया। इस बात को भी याद रखिए, आज युद्ध खत्म हो जाए, एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर हो चुका है। इसीलिए युद्ध इस स्थिति में खत्म हो जब तक यूक्रेन और नाटो के बीच। मैं ये कहना चाह रही हूं कि बिल्कुल सही बात, यदि अमेरिका और नाटो वाकई में यूक्रेन के साथ थे तो इस युद्ध के बीच में ही यूक्रेन को अपना सदस्य बना लेना चाहिए था, ताकि वहां जाकर के वो यूक्रेन के बिहाफ पे युद्ध लड़ पाते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्थिति देखिए, अब यूक्रेन के बाद पोलैंड से हिसाब बराबर कर सकता है रूस, ये बड़ी खबर है, जहां चेचन कमांडर कादिरोव ने पोलैंड को लेकर ये बड़ी धमकी दी है। कादिरोव ने कहा यूक्रेन के बाद पोलैंड का नंबर होगा। और आइए देखते हैं कि चेचन कमांडर ने क्या कुछ कहा है और इसके मायने क्या है और कादिरोव का बयान कितना गंभीर हो सकता है युद्ध के इस मुहाने पर आने के बाद। रमजान कादिरोव ने कहा कि अगला हमला पोलैंड पर होगा, यूक्रेन से निपट रहे हैं और पोलैंड को धमकी, रूस को सलाह दी है, रूस ने सलाह दी है कि पोलैंड को नाजियों से मुक्त कराना बहुत जरूरी है, ये कहते हुए नजर आए। यूरोप के शैतानों के खिलाफ जंग जारी रहनी चाहिए, मतलब उनको शैतान कहते हुए संबोधित कर रहे हैं। 2023 के अंत तक यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाएगा, रमजान कादिरोव का यह बयान। हम पश्चिमी देशों को घुटनों पर लाकर ही छोड़ेंगे, मतलब अमेरिका भी निशाने पर है। और आगे क्या कुछ कहा है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। कादिरोव ने जो कुछ कहा है वो मामूली नहीं है। आइए समझते हैं कि पोलैंड ही टारगेट पर क्यों है और कादिरोव के बयान से क्या कुछ सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। रूस वर्सेस नाटो तय हो और क्या कादिरोव ने कहा, दरअसल पुतिन के प्लान का खुलासा किया है इस बयान के जरिए कादिरोव ने, और ये कहते हुए नजर आए कि पोलैंड भी हमारे निशाने पर है।
क्या रूस बनाम पश्चिम की जंग यूक्रेन से आगे बढ़नी तय है, इसके जरिए यह अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या अब नेटो और रूस की टक्कर कोई नहीं रोक सकता है, मतलब बिखराव सामने है और देखा जा सकता है कि किस तरफ यह युद्ध बढ़ रहा है। क्या पोलैंड पर रूस के हमले के साथ ही युद्ध आगे बढ़ जाएगा? और सवाल यह कि पोलैंड को धमकी क्यों, क्योंकि यूक्रेन वॉर में रूस के खिलाफ सबसे मुखर देशों में पोलैंड शामिल रहा है। पोलैंड ने मदद भी खूब खुलकर की है और आज भी जो जमीनी सीमाएं हैं वो यूक्रेन से लगती है। पोलैंड से यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई भी होती है और अपने देश में सबसे ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थियों को जगह भी पोलैंड ने दी है। तो इस धमकी के क्या मायने निकाले जाए, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। कर्नल शुक्ला, अगर मैं आपके पास आऊं और इसको समझने की कोशिश करूं कि रूस के पैर अभी यूक्रेन के साथ फंसे हुए हैं, ये युद्ध किसी फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया, इस बीच पोलैंड को धमकी कितनी गंभीरता से ली जानी चाहिए? और पोलैंड वो देश है जिसकी जमीनी सीमाएं लगती हैं, जिसने शरणार्थियों को जगह दी और पोलैंड से ही आदान प्रदान तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो ट्रेन के जरिए हो रहा है, तो क्या पोलैंड पर बड़ा खतरा है इस बार? बिल्कुल, इस युद्ध के दौरान पोलैंड एक बहुत ज्यादा सक्रिय देश नजर आया, जो कि युद्ध में पाक्षिक रूप से पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने पूरा का पूरा लॉजिस्टिक चेन जो है वेस्टर्न कंट्रीज की वो खोली हुई है यूक्रेन के खिलाफ, और ये सारी लड़ाई जो है वो यूक्रेन में जो लड़ाई एक साल तक जमी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पोलैंड की ही वजह से पॉसिबल हो पाई है, वरना कोई और एक नजदीकी देश इनको इस तरह कोई मदद नहीं दे रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि एक वार्निंग देना जरूरी है और रशिया उनको ध्यान में रखेगा, ठीक है, और इसलिए शायद पोलैंड में भी तैयारी चल रही है सर, क्योंकि हमने इससे पहले भी खबर देखी थी कि पोलैंड के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर किस तरीके से बैरिकेडिंग की जा रही थी, कटीले तारे लगाई जा रही थी, कहीं ना कहीं अंदेशा है कि कुछ हमला हो सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के सैनिकों का भीषण पलटवार, रूसी ठिकानों पर रॉकेट से हमला किया गया है, यूक्रेनी अटैक में रूस को पहुंचा है भारी नुकसान। और अब दूसरी बड़ी खबर, जहां डोनेस्क के मकिवका में भी हाइमार्स से एक्शन को लेकर बड़ी खबर है, रूस के ठिकानों पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। हाइमार्स अटैक से ही रूस को भारी नुकसान का दावा, हाइमार्स से ही ट्रेन ट्रैक को भी टारगेट किया गया है। और अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन की जंग के बीच एस्टोनिया में वॉर ड्रिल हो रही है, युद्धाभ्यास में नेटो के सभी देश शामिल हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड गन और टैंक से बरसाए जा रहे हैं गोले, मल्टी रॉकेट लॉन्चर से भी निशाना साधा गया है। चतुर्वेदी जी, इस तरह से जो ड्रिल की जा रही है इसे आप कैसे देखते हैं, ऐसे वक्त में जब नेटो की तरफ से ये बयान भी सामने आया कि ये युद्ध नेटो वर्सेस रशिया का रूप ले सकता है, इसके आसार बनते नजर आ रहे हैं? समीर, राइट फ्रॉम द बिगनिंग किसी को कोई शक नहीं था ये नेटो वर्सेस रूस युद्ध है, और बल्कि अगर स्पेसिफिक टर्म्स में कहें तो अमेरिका वर्सेस रूस है, जेलेंस्की या यूक्रेन केवल एक मोहरा थे। और ये जो इस तरह की एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं ये बेसिकली मैसेजिंग के लिए होती हैं कि हम तैयार हो रहे हैं, हम आपको ये कर देंगे। और जो कादिरोव का इसके पहले जो जिक्र आया था उनके वक्तव्य का, वो भी केवल मैसेजिंग थी। अगर इस तरह का कुछ होता तो पुतिन या कोई ये एक मिलिट्री कमांडर की तरफ से मैसेज आज ये थी। कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है, जहां एस्टोनिया की हम बात कर रहे हैं, हमने देखा लातविया में भी ड्रोन अटैक हुआ, लुथानिया यानी बाल्टिक नेशंस, बहुत सीरियस सिचुएशन है, गंभीर मामला है। ठीक है सर, इसके बारे में और चर्चा करेंगे, समय हमारे पास आगे भी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की नई मुश्किल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग, सीबीआई ने एलजी से एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी है, सिसोदिया पर फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी का आरोप है, फीडबैक यूनिट से राजनीतिक जासूसी की गई है, सीबीआई का ये कहना है सीबीआई के अनुरोध को एलजी ने राष्ट्रपति के पास भेजा है। 2016 में आम आदमी पार्टी सरकार ने फीडबैक यूनिट बनाई थी, फीडबैक यूनिट को गुप्त तरीके से 1 करोड़ का फंड दिया गया, सीबीआई के हवाले से ये सारी जानकारियां हैं। सीबीआई का ये दावा भी है कि राजनीतिक खुफिया जानकारी इसके जरिए जुटाई गई, 12 जनवरी 2023 को सीबीआई ने रिपोर्ट भेजी है। तो देखिए, एक नई मुसीबत है आम आदमी पार्टी सरकार के लिए, क्योंकि ये आरोप जो है बहुत गंभीर है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, सीबीआई ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां सामने रखी है, जिसमें ये कहा गया है कि फीडबैक यूनिट के जरिए आम आदमी पार्टी दरअसल स्पाई बनी हुई थी, जासूसी कर रही थी, क्या कहना है इसके ऊपर आम आदमी पार्टी का?
बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी जो है बात हुई वो उनका एक राजनीति से प्रेरित मामला है ये, और इसका जो है आगे उनकी तरफ से पूरा अवलोकन करने के बाद जवाब दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सीबीआई की तरफ से एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई, इसमें कहा गया कि 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सत्ता जो है वो दिल्ली की मिली थी, उसके बाद एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी, और सितंबर 2015 में जो है कैबिनेट से इसको पास किया गया, और इसके लिए बाकायदा इसे फंक्शन जो है 2016 से करना शुरू किया था। 1 करोड़ रुपए का सीक्रेट फंड रखा गया था, कुछ पूर्व अधिकारियों को जो है वो नियुक्त किया गया था, और इस यूट के पास जो है तकरीबन ऐसे 700 करीब मामले थे, जिसमें 60% जो बताए जा रहे हैं कि राजनीतिक स्नूपिंग की रहती है। हालांकि जो उसका मकसद था वो ये था कि एक तमाम जो सतर्कता है उसको बढ़ाने के लिए उसके के तमाम जो डिपार्टमेंट है उनके अंदर फीडबैक लेने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, और क्योंकि मनीष सिसोदिया बिजनेस के उस वक्त हेड थे, तो ऐसे में सीबीआई की तरफ से उनके और साथ में कुछ पूर्व अधिकारी भी हैं उनके लिए खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने के लिए 12 जनवरी को जो एलजी है उनकी परमिशन के लिए भेजा था विजिलेंस के थ्रू, और ऐसे में खबर ये भी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, सीबीआई एफआईआर रजिस्टर करना चाहती है जासूसी के मामले में, और इसके लिए एलजी से मांगी गई है इजाजत। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय कमला पसंद सिल्वर कोटेड इलायची। सबने कहा कोई लड़कियों वाला शौक चुनो, मैंने बोला बेस्ट गेमिंग कंप्यूटर। Here are some results. We don't